चाची ये क्या बात मिजी टेप की बात की दी है लोग फजर फजर ना अल्लाह रसूल दा नागिन तू पियो वाला कंजा खारा किती खड़ी है ओहो चाची मैं सवेर दी एक्सरसाइज करें दी भैया ना तेरे दी एक्सरसाइज करें दी खड़ी है चाची ना के घर थोड़ी ना उठती है मैं तो थोड़ी ना भटड़ा च तंग आ गया आओ डैडी मलिक साहब को यही करे तू सारा तो या मैं ना था बल निकल वन्यो अरे मैं को भी आदी तू निकल वन्यो घारी मेरा तड़ी मैं को डैडी बीवी इवे रख के चाट मरे सा आओ डे मलिक साहब को घरों निकल वो ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਸਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਚੱਕਰ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹੀ ਚਾਚੇ ਕੋ ਤੇ ਚਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਰਦਾਸ਼ ਕਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਭੇਜਾ ਮੈਂ ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀਏ ਨਾ ਤੱਟੇ ਕੋ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਗੂੜਾ ਲਵਾਵਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੇਚ ਤੇ ਪੰਗੂੜਾ ਲਵਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਵੇਚ ਤੇ ਪੰਗੂੜਾ ਲਵਾ ਬਈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਬੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਘੇ ਤੇ ਪੰਗੂੜਾ ਲਵਾ जी साईं अपना मसला दसो फिर सैन मौका ला दी गए हक हू हक हू हक हू हक हू पीर साईं मेरे को ये जतवीज दो जिथे मेरा दिल है थई शादी थी वंजे मेरे को दस बाप दी तापर ने थई हक हू हक हू हक ता हक दू दू ता दू चार बाण में से तेरी कुआर खड़वान 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 तेरा काम थी वैसी खड़वान ये सही गड मक्कल क्या कहंदे ता साला मक्कला दे तो उने मोबाइल च बैलेंस कहनी तू हजार दा लोड करवा थिना पे तेरा काम थिना पे हक हू साईं मक्कल मोबाइल क्यों रखी वदे खामोश खामोश ए जी गाल नहीं पूछींदी खड़वान खड़वान बाल ना कर ओए जल्दी कर नहीं तो मक्कल तेरा गाटा बन सटे सी साईं हजार दे मेरी शादी थी गई सी खामोश जी गाल नहीं करन दिया हजार दे तो मेरा मोकल आप वही ते हुंदा शादी कर खिन सी हक हू हक ता हक दू दू ता दू चार भणस तेरी कुआर भणस तेरी कुआर उफ ऐ साईं हजार दे नोट सुनो उफ हां पकड़ तू तवीज दे हल हू हल हू हल खड़वान 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 जल्दी ना कर जीरी थी जी साईं जय सो हां ठीक है ठीक है ठीक है हक हू हक ए तवीज को बच्चा रात को कहीं पुरानी कब्र च दबरे वी एक ता एक डू रू ता डू चार भणस तेरी कुआर भणस तेरी कुआर खड़वान 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 वेना पे तेरे काम वास्ते वेना पे
हक हु हक हु तुसाई वंजो अपने अपने घर और सारे मोकल का टाइम हो गए वंजो वंजो वाल कल आवना कल कल नमे मोकल ते नमा कम थी सी वंजो 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 हक हु हक मेरा ख्याल आही दफा छक्की लगेगी सेठ कालिया तुमने मेरे सारे मुरब्बे खा गया है मैं 10,000 की छक्की लगवाऊंगा तो करोड़पति थी जाऊंगा हाँ अब नहीं छोड़ूंगा चाचा जी ओए क्या बात है पर बात थी गए खाना खराब थी गए को खाना तो वो भी हो गया हाँ इज्जत मिट्टिया च रोल गई है पहले तो खटले तो रोलती है ओए ओ बिया वक्त आई देख चाचा तेको कोई बगैरत आके मेरे को बर्दाश्त नहीं थीना तेको कोई खोते दे मुंह वाला के मैं कने बर्दाश्त नहीं तेको कोई घोड़े दे मुंह वाला के मैं कने बर्दाश्त नहीं अब तुम बात बंद रखो अब मुझसे नहीं बर्दाश्त ही रहा बूढ़े बाबा मुझको तले उतारो देख चाचा तेको कोई घोड़े दे मुंह वाला आके हालांकि छक्कल तेरी है मैं तुम्हारा चाचा हूँ सॉरी चाचा देख ए कोई गाल है तेरे अपने तेरे दुश्मन थी के नहीं मेरे अपने मेरे दुश्मन थी जाए तेरा सोरा चाचा पहलवान बस्ती तो होटल ते बह के तेरे गिले करे दा बेटा यानी के मेरा सुसर होटल ते बह के मेरे गिले करता है हाँ मैं अबू कुछ रोके मेरे को बर्दाश्त नहीं आई हाँ मैं जो रोके मेरे को अपने पुत्र जगू दिया धम क्या मन पाए उसकी धी को घील से बाहर ले आओ ओ दिनूरा ओहो शिकार चाचा पागल थी गए मुझे कावड़ ने पागल कर दिया है नूरा बाहर निकल के आओ मैं कावड़ में हूँ तुम्हें कितनी दफाएं अपना फीटर ले घेन के आया करो ना क्या आजाब है क्या रोला पैगे ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरा प्यू होटला ते बह के सेठ अल्लाह दिते के गिले करता है जे काम करे सो तो मेरा प्यू तेरी गिला करे दे तू भी अपने प्यू की निजीबान बोल रही है मैं तुम्हारी जीबान छेक के तुम्हारी तल्ली पे रख दूंगा बाकी करे सी क्या मेरी जुबान ही छेक सी मैं को मार दे घर बाहर काटे हुश हुश ए चाचा तू तो चंगी दा साईवाल दी मैं घेन के लिया खीर थोड़ा देती है खीर थोड़ा देती है ए सुकान है दिए यो तेरा भतरीजा तेरा खाना खराब करे सी गंदी शक्ल आला बस चाचा यही जरा से करवाणी अभी मेरी जेदा भला करो वो आने कढे दे तुमको हया नहीं आती शर्म नहीं आती तुमको मेरे भतरीजे के बारे में ऐसी वैसी गाली भौंकती हो वो तुम्हारा प्यू अच्छा है तुम्हारा भिरा अच्छा है जो सारी बस्ती में बदमाशियां करता है हां तेगनु चंगे है गलत मंदर है तेलिका पर्चा का नहीं खेलता पर्चा एक दफा मेरे पंघूड़ा लगने दो मैं तुम्हारी तुम्हारी जैसी वी ले आऊंगा दादा ही तो मुंह तो नोट मारी मैं नक ते मारूंगा मैं के को समझा दे रख मैं तेरा चला दा काजे मैं घरू मैं तुम्हें घर से बल्कि धिक्के दे के बाहर कर दूंगा मेरा घर में को धक्के मार कर दो रुला दिया ना ओए रन ले तेरी धी नी इन्हें बेइज्जती करवाई है इंदा प्यू बेइज्जती कर रहा है यार यार मार यार मार तुम इधर हाथ अच्छा तुम मल्लक अल्लाह दिते के साथ मजाक करते हो मैं तुम्हारा ये एदा वदा बुथार है ना थोड़े ना अपना बुथार है पहले तो बर्ता आवे गली जी छा जमरिंदा भी है अए नूरा कितो पिया मदी मैं सद के तिवा थोड़े ना अपना बुथार दे जरा दाबे नाम खा गया था मुझको नाराज थी कि ये गड्ढा के लेड की भू है
खोती का पोता। हाँ चाचा, ही को परमेश्वर को पहले मुथाज न थी आवे तू। पहले ठीक थी, एक दफा सी इंजन पंप पे गई है, ऐसे थी। अरे चाचा, तू तेरा आपड़ा जो डीजल वाला पेट्रोल पंप है। मैं तुम्हारे पुत्र सियाने चोर की ताड़ी में तिनका मलक अल्लाह दिता हूँ, कमी कमी नहीं। पुत्रे जैसे तेरा कम है ना, कमी कमी नहीं पाले वैसे। बंदा बड़ा है जो तेरी चंगाई है। और तुम मलक अल्लाह दिते को धमकी दे रहे हो। तुमको मलक अल्लाह दिते की तावर का पता नहीं है। तुम मेरे घर में आकर मुझको धमका रहे हो। धमकी दे तो तुम। मैं हूँ तेरा कोई आखिरी तो बाकी बिना बाकी गाड़ी पार कर समझ ला। मैं तुमको धाड़ वो चल 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 पकड़ देखो कितने बार आखे जो बस्ती दे बंदे का पोत्र पादरिया कर तू बाज ही नहीं आता। अब्बा बस्ती कोई कहीं तो जुलम करे मैं बर्दाश्त नहीं दींदा। तू पहले मैं ना तू हाथ कर मां देखा के तू कितनी जवानी तू चल पकड़ पकड़। अम्मा वो बेगुआ ने को माफ कर देवे वाल दोबारा यो जी शिकायत को ना आसी। ना बाबा ना तेरी जात है मैं कोट नहीं खावनी। कितने दफा ते तेरी जमानत दीती हम पर तेरी आदत तेरे सिर नाल वेसी ईवे नहीं वेंदी। तेरी वजह करू तेरा फण गया तेरी फेवे ना लड़ते वो आदा का पहले अपने पद को समझा ते बाद में नाल गाल करी। इंदा मतलब है ते पहले अपनी फेण को रंडट करना अपन से रख दे लानाती फेण को रंडट करी अपने आप ने सुधारी। अब्बा गरीबा दा भला करना बदमाशी है ते चक्कू वे बदमाशी करेंदा रासी। बस कर जग्गू दा पियू तू ते उंदे पिछू पै गई। बस कर अब्बा तू मेरा पियू है ना ता चार चार बंदे को मैं कल्ला डागिंदा। ओला दा गाल के मैं मार खांगा। पहले तू मेहनत दू हाथ कर मैं देखा के तू कितना बड़ा जवानी। बस कर तू भी बुढ़ा थी जी तेरी आदत नहीं गई। दुआ करिए मां मलक एडी मेरे बनण तो पहले खरो निकल बने ना तो मैं उदा आज फसल बिगाड़ छुड़े सा। मक्खी तक नहीं मारी नहीं सी ते साहब ने पर मलक को मारा। ओहो मेरी जान चाची को तलाक कर वैसा जबरन तलाक जबरन ना थी तो सबरन तलाक कर वैसा अपनी डैडी को तलाक करा। चाची ये तो आधे खानदान है सीधे सारे खानदान है तेरे बाज क्या नहीं। ना ना तेरे खानदान से है क्या ना रन मुरीदा चौबीस घंटे रात पिछू लगा रहा मैं। चाची ओए आधा बजे तक आज आखिरी बारी आज तू बात तो मेरी रन ना लड़ी पूरी बस्ती तेरा तमाशा देखी। मैं तो चाहती हूँ पूरी बस्ती मेरा तमाशा देखे लोगों को पता लगे लोग भी आखे न रात पिछू लगता चाची की बेइज्जती क्या करे ने। हाँ कोई इज्जत चली मेरी घर च चाची इज्जत अपने हाथ ते चोंदी है ते बड़ी ठीक हो होरे बोल चाची कमाल है तू कहीं कोई डरती ने नहीं डरती कहीं ते पियू दा खा दिया क्या। अच्छा तेरे पियू दा खाने अरे ते बड़ी सब मेरा खाते तुम भी मेरा खाते हो और तुम भी मेरा खाती हो और तुम भी खाती हो। तुमको हया नहीं है सारी बस्ती तुमको थुके मार रही है। वह तुम्हारी इस गेट गेट की वजह से मेरा आज तक नंबर नहीं लगा। बस होने लगा चाचा तुमको कैसे पता है।
तू फकीर दा पुत्र है ही कोल पूछ जड़ी सा को आज घर उच निकल बनो आज मैं कहीं कोल नहीं डरती हां नहीं डरती तुम पैसे नहीं डरती तुमको हया नहीं आता तुमको शर्म नहीं आती पर कहां है तुम्हारे खानदान में शर्म का अता पता ही नहीं चबल की थी ना तुम्हारा ये घर मेरा है कि तुम्हारे पे को नहीं आया मैं इधर खोता वाड़ू कंजर वाड़ू मेरी मर्जी है ना मतलब सा 24 घंटे मैं ना लड़ते रहो इना को कुछ ना को 24 घंटे मैं लड़ते रहवे तुम भी कुछ हया करो हया करो तुम ओए चाचा तेरे अमर तू पहले मैं को दिए तेरे चाचा दा मुंह इवे है जिवे खोता होवे ये तुमने मुझको आख लिता है ना मलक साहब मैं कसम से दिया इने तक आके गदा ना चाचा अल्लाह की कसम है मैं को दिए तेरा चाचा इवे जिवे सीएनजी तो घोड़ा होवे ये बाल कूड मरे ना हां कसम चला के मलक साहब मैं अल्लाह की कसम है मैं कह दिया क्या ईओ दे आके तेरा चाचा इवे जे रेच होवे आया तो चुप करके खड़ मैं तू चुप करके खड़ तेरा चाचा मैं को दिए तेरा चाचा कुछ मेरे मथे लाके तू मेरे बात ना लड़ती मेरे ला लड़ चला मैं सर को दे सा ओ तो हाथ मार दे तू मैं तो को हाथ मार दे आया मैं हो तू तो नहीं चाचा को मार दे ओ सॉरी चाचा मैं ही को मरा दादा सॉरी किस बात की खुश थी बेड़ा खुश थी मैं ताजे लग रहे थे को मौत से पापा हां जी पागल ठीक है चाचा पागल ठीक है वाले रुवा दिया है ना वाले रुवा दिया है मार रुवा है ना पुत्री जी आके लाती मैं को मारी ना ओ ने मेरा पेकू तेरे पे लत्ता ना खवा तो वाला के मैं तेरे पीऊ की कंधे भांग दूंगा तेरे में खान ना चेंज घा बने सा खान दाल तू अपना खान जाने पता है तेरी गैरत को हक्कल पे मरे दिए तेरी गैरत है कि ता जे तेरी गैरत को हक्कल मारा हमसाए को मिलने गई है मैं आधा हक है मेरे हक है तू खान दो ना तू हक है हक है हक है मैं ओ मैं ओ मलक अदा दिता मैं ओ यानी के तुम मुझको मार रहे हो ओ मैं तुम्हारा पाए हूं ओ यानी के घर का मालिक खल्ले खा रहा है तेको महसूस थे दादा मही कुमारे मैं कसम ना मलक साहब मैं तेको हाथ कहीं ला हाथ नीचे रखो हाथ नीचे रखो मैं तुम्हें उस जगह पे मारूंगा जहां तुमको तकलीफ नहीं होगी मलक साहब एक तो सट्टे इधर जनाजा निकला है सारे घर लड़े पोई खड़े मैं सट्टू ना सट्टू मेरी जाल है मेरी मर्जी है दादा मेरी राम के सामने मेरी बेइज्जती करना पे नंबर मैं लवावणे तेरा हां ओए ओए बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारी जाल की तुम सोनी है हां ख्याल कर धी लगती है ई जब भी सुथरे पीस को हाथ लगाता हूँ भी निकल आती है तुमको हया नहीं होती मलक साहब मेरी गाल छोड़ गिनो आज तो बात है घर से क्या रहा सेन या ये रहा सेन या मैं रहा सा दादा ये रहा जनाजा मार कर तुम निकल जाओ तुम निकल वजो बल्कि हुने हुने निकल वजो हाँ टाइम जाया थी ना पे रात ज्यादा थी जब वो कहाँ जाएगा जवान भेड़ को लेकर कहाँ जाएगा जवान बीवी को लेकर कहाँ जाएगा तो मैं कह रही हूँ वैसा तू कुत्ते बैठे मैं को पार्टी किन से तू बिस्तरा तो डाल का चांदा पे मैं तभी इस नगाल की दिखा रहा समझे ना मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती तेरा तो तेरा सामने मेरी बेइज्जती करेगी चलिए तू क्या माता लड़ी मेरे अब को क्या मुंह दिखेगा मैं यतीम का जुलम थी दे पर मैं मुंह इधर रखी जाऊंगा चल बर्बाद थी वो अल्लाह करे मर गए लुए जड़े मैं वेदी पे अंदर मतलब ये रन है क्या बला है मेरे को तो लगता है पहाड़ी बकरा कहना है नहीं नहीं तुर्की दुम्बा है तुर्की दुम्बा चलो घर में चलो मलक अल्लाह दीते की इज्जत गलियों में बीटना चाहते ही को समझाता था उं, उं, उं।
मेरे आंखें पे लगती है। ढूंढते हो? ढूंढते पता नहीं मेरा नंबर क्यों नहीं लगता। सीधे पौत्र, मुझको तो लगता है कि चौकी प्रांत पे आई। ओए चाचा, हर बारी तेरी काल कुलेशन में घुमर में दिए। मैं पिछले बारी आके ना कि छक्की फ्रांट जा चे, सेठ कालिया ने दुखी फ्रांट दे मार दी। चाचा, यह तेरी रान मुखबर ही, खुद तो सेठ कालिया को डायरेक्ट मेल के आंदी। इस रान ने मुझको बहुत तंग किया है, मेरा एक दफा नंबर लग जाने दो, मैं नवी रान लेके आऊंगा। मेरी मन तो मेरी कैलकुलेशन ठीक निकली भाई। क्या निकला? क्या निकला है भाई? पैसे लग दें, पैसे। यानी के अल्लाह दिते से तुम रिश्वत लो ना? ओ मेरी बुआ का पुत्र है, पीर फूके शाह बोल गया हम पूरा पंगूरा दिते आखे 10,000 का पंगूरा दीदी मैंने ला लगा 50,000 के साथ। लेकिन कूड़ तो नहीं मार रहे? अगर एक नहीं कूड़ मारे तेरे नाल तो ठीक है। ये गिनो, मैं तुम्हारी चाची के कांटे ले रहा हूँ। सोच चाचा, अपना 9,000 दा अगर पंगूड़ा लग गया तो करोड़पति थी वैसे। करोड़पति? करोड़पति वाला हम कोठी नवी बनवाएंगे, नवी गाड़ी लेके आएंगे। हाँ, हम नवी गन लेके आएंगे। तुम बाहर बाहर तेरा खाना खराब जिवे सीधा वन वच कर चली बैठी चाचे नाल। बकवास बंद करो, वो जई गाल का तुमको पता ना हो उसमें लत नहीं फसाते। मेरे को सारा पता है, तार में पैसे क्यों की दीवे दे तेरे लंबरा वास्ते। लेकिन तेरा अपने पैसे नहीं। और पुत्र ये क्या, मैं कल्हा करोड़पति बनूंगा, कल्हा। तो यार ये तो वैसे भौंकती रहती है, तुम बनो अपना काम करो। और तुम तो हर वक्त उस सौदे पर शक करती हो। मैंने उसको नंबरों के पैसे नहीं दिए, अपनी शुगर की दवा के लेते हैं। मल्लिक कहीं ना कुछ नहीं करेंदा पिया, उड़ू ते को होश आने तो सारा कुछ वेट वैसी। अब भाई गाल को छोड़ो, ये बताओ कि नौमी पुत्र मेरी माँ को घेन आया है? मैं को नहीं पता, हाँ मैं तो पहुँच गई। नौमी, नौमी पुत्र, क्या गाल है अब्बा सही? ये हर वेले मेरे को बेआराम कीती रख दे, ना नींद आराम ना रात का सुकून है। ओए ओए, ओ मैंने इधर तुमको तकरीर झाड़ने के लिए नहीं समझा, ये बताओ कि दादी को घेन आया या नहीं? हां दादी अम्मा को था मां जो कर रखा हुआ है तो आवे ओ तो दिन ने हर तेरी वजह तो दादी हम बहुत गारानी पई है। ये ना मैंने तुम्हारी दादी की जेब तक किया है, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी माँ की जबान बोलती पड़ी है। एक दफा मेरा नंबर लगने तो मेरे पास पैसा आने दो, मैं तुम्हें जुतियों में पानी पिलवाऊंगा, तुमको मैं बताऊंगा अल्लाह दिता क्या शय है। ये खाब शेर चिड़िया लिखा देता रानी, अल्लाह दिता क्या शय है। रन है या धन चक्कर की दी है? मेरा भतीजा एक दफा पंगूड़ा लगवा के आए, आज तो मैं गरीब हूँ ना, तो फजर माए अमीर थी जाऊंगा, करोड़पति थी जाऊंगा। ढोले ते साडियां यारियां मुद्दतात वह घोटी सही रोटी दही खा मिल जाए सवाब का काम होंगे चंबला। मुद्दतात मुक गईयां सही चौकी दे रहे पीर सही दे मौका लामने जो। चुप कर भाई, अजय पीर सही अमल लीजिए। हक हो, हक हो, ठग ठग डूरू तनु चार,
आगे मिला यार, आगे मिला यार। पीर सही मेरे घर दी चोरी थी के पता नहीं लगता पिया कहाँ की थी। हक हूँ, अखी बंद कर समंतर पढ़ना है। हक हूँ, हक हूँ। या वो तो नहीं कि चोरी रहा था बकरा है मुंह लुका मता पहचान के ने। हक हूँ, हक हूँ। हाउली सुखी भैंड से बुक चाइट मच दी गोलगोड़ समथिंग रॉन्ग द मत के नाल देख लेकिन हक हूँ। एक तो है लू लू चार हावन मिला यार, हावन मिला यार, हावन। हक हूँ। अच्छा तेरी चोरी का पता लग गए ते तेरी चोरी कह की थी। हक हूँ। जल्दी दसो साई कह की थी चोरी मैं उनको जीना ना छोड़े सा असा को माफ कर दे। हक हूँ, हक हूँ, हक हूँ। बच्चा 1000 रुपया दे असाडा मोकल हूँ को आप सजा दे असी घबरावना नहीं। हक हूँ। 1000 रुपया सही केड़ी शायद बच्चा तो को पता नहीं असाडे मोकल दे गाड़ी पेट्रोल ते है ते पेट्रोल आजकल बहु महंगा थी गए। हक हूँ, हक हूँ। खड़वान 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 करना पे तेरा काम करना पे। हक हूँ, हक हूँ। गिन 1000 रुपया सही मेरा काम थी वैसी ना तेरा काम थी वैसी घबरावना नहीं बच्चा घबरावना नहीं। एक घेन तवीत ते कन्ने तेल पा के सुन पे साल बाद तेरी चोरी मिल वैसी मिल वैसी मिल वैसी। हक हूँ ना बच्चा तेरा काम थी वैसी थी वैसी। हक हूँ सुन प्लक 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 ठा ठा पी पी ठा पा पा सब तू पहले मेरी मशहूर को 200 रुपए दा इजी लोड करवा दे 150 रुपए दे केबल वाले को ते बाकी पांच दफा थी होनी। हक हूँ झूम पड़क 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 उड़े बाबा उड़े बाबा किते को पठा हुआ है अभी तक नहीं आया पता नहीं किथा मर गया है। क्या हुआ क्या हुआ क्या थी गया है वो तुमको किसने पटाया है हमको दसो। चाचा एडा साला नी जग्गू मू में को बहु मारे एडा मारे सी एडा दा कोचवान कोते को नी भरे दा भला के तुम कुत्ते हो तुमने कुछ किया होगा मुझको डराते हो मैं को आदे तू मेरे भड़वीए को खराब की थी गड़े हालांकि चाचा तू मैं को खराब की थी गड़े ओए हम ने तुझे को खराब की तावे ओए झूठे आ मरका आज तो मैं तेरे भतरीजे को छोड़ दी तेन लेकिन आज तो बाद जदा भी मैं को नंबर वाली दुकान ते मिलिया तेरी दा जनाजा आसी जनाजा ये बदमाशी अपने पियो को दिखाओ अपनी माँ को दिखाओ और तुम होते कौन हो वे मलक अल्लाह दिते को धमकियां देने वाले। ओए चक्कू ना है मेरा ते सारा जग जानते मेरे को छी गिलास भी जानते होंगे। चुप कर मैं मुमताज पोली रा पोतरा हे ता मेरे चाचा दा साला ए जग जान दे। ओए मैं भेड़ी मार देसा जी वजह तो ये मेरा भणवैया बणया वदे और मैं कहना हूं यहां से दफा थी बणो वरना पुलिस को सदवा के मुंधा करवा के खल्ले मरवाऊंगा डकैती का पर्चा दिवा के अंदर करवा दूंगा। तुम मलक अल्लाह दिते को जानते नहीं हो। और जग्गू पुलसा दिया धमकियां तो नहीं डरता मार तो डरता है। ओए मलका तू मेरी भेड़ नाल बदतमीजी कीती ते मैं तेजाब सट के तेरी शक्ल ही बिगाड़ छुड़े सा। और पहले सीधा है तेजाब सट दूंगा और कभी तेजाब डिठा है मैं कहता हूँ ये बदमाशी बस्ती वालों को दिखाओ। मैं आप बहु बड़ा बदमाश हूँ मेरी बदमाशी का चर्चा पूछ रहा ना तो अपनी बहन से पूछो। ओए चला वेंदा ओए पर एक काल याद रखी जग्गू को जग जान दे बंदा आया था बदमाशी दिखाने वह मलक अल्लाह दिते से बड़ा बदमाश कौन है कोई कह नहीं। मैं तो कहता हूँ वट्टा सट्टा कर लू तुम मेरी रन को ले जाओ
मैं तुम्हारी रन को ले जाता हूँ। बड़ा सियाणा ही गोल्ड लीफ दे के केटू घेन गिना। वह चबल के पुत्र गोल्ड लीफ हो या केटू, कढ़ने तो धुए हैं। चल खा रोटी हूं, क्या वास रसी बची। मैं नहीं मैं खांदी रोटी, तू खा, ते को और वेला खावन दा काम है ना। तू बाकी रोज रखी बैठी। मैं दिया यादा मेरा दिमाग ना खराब कर, ते तू खा रोटी। पहले केरा तेरा दिमाग ठीक है, कोई चंगी घेना में हा। मैं तेरा शुक्र का घर सांभी बैठी हूं, तेरे बाले को अपना बाल समझ दिया कि नहीं। मतरई मां बांधते दिखा सत्तियां जितना प्यार चेंदिया ना, ते बस्ती आलिया। मैं कह दे तेरी अम्मा दा क्या हाल है। मैं दिया नहीं, ओ मेरी धी है, मैं उंदी मतरई मां। बस इश्क तो कर बैठा तेरे नाल, हुण तू चंगी कर दे भावे मंदी कर। तू जेड़िया मेरे नाल चंगियां कहंदा पे, मैं तू पता है शादी तू पहले किवें मेरे ते मरदा आवे। मैं ता ते हुणी खुश रखेंदा, भला थी तू मेरे नाल आप ही लड़दी है। कर कर ते सीधी सादी मिल गई थी, चलाक मिलिया ते भला पूछा। आ जानता तू सीधी सादी, अगर तू चलाक होगा तो मेरा हशर क्या करे तू। अल्लाह करे उनके हाथ ही टूट वजे। आमीन सुभान अल्लाह। मैं गरीब ते जुलम कीते, अल्लाह करे कोई हो जा पियो दा पुत्र टकरे जड़ो को मंजी दा समान है। शिदिया मैं दादियां सारा कुछ छोड़ के ते अम्मा ने घर चले जुलू के ते इना दे जुलम सासी। एक बारी मेरा नंबर लगा रे रेशम वालदे की महिला तो बदले की वेगी दा। मैं दादियां अल्लाह करे तेरा इनाम लगे ते साडा एक घर होवे, तू हमें ते मैं होवा। मेरा दिल ही मिया दे रेशम, तू होवे ते मैं होवा, सबको कोई तंग करा ना होवे। चाचा जी आज तारी कोई गल ना सुन से, ओ पेके बनने की तैयारी की दी खड़ी है। और तुमको हया कहनी वो तुम्हारे मुंह में छले निकले, मुझको डायरेक्ट चाचा कह दिया। ओ कुछ हया कर चाचा, उनको तो संभाल नहीं सकता। नूरा बूढ़े बाबा बाबा नूरा बूढ़े बाबा नूरा हमारे दुश्मनों के घर में जा रही है। मैं तुम्हारी लट्टे बांध दूंगा, मुझको जानती हो ना। एक लट दरवाजे के बाहर तो रख के दिखाऊं, मैं तुम्हारी लट्टे बांध दूंगा। मला मेरे लट्टा अपने से टूट साती वे, मैं तुमको रिहा ले दूंगा। खोता मेरे पास है, मेरा बिरा जख्मी है, मैं हो को पुछा रहे दी पिया। जख्मी की क्या है, क्यों ना जख्मी होता, उसके करतूत ऐसे हैं। मुझको ये बताओ, मुझको दसो कि वस्ती में कौन सा बंदा उसने छोड़ दिया जिसको मौत की धमकी नहीं दी। खादा कोई साफ कह दी तू, साथ तो मुंह फड़काया ही। देखो मैं फड़के सांग बेंदी तो बन्यान डेल को। यानी के तुम सब की यह मर्जी है कि मेरी जाल घर से निकल जाए, मैं तुम्हें फड़का दूंगा। अब्बासी साहब वो नडो शाम को बाल लोसो, शाम को बाल लोसो। हाँ मैं तुम्हारी माँ को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम नहीं मान सकती, आज मेरे कोई मेहमान आने वाले हैं। तेरे मेहमान का ठेका कभी चाहिए खड़े हो, सब ये देखी हूँ। अगर तुम इधर से जा रही हो तो वल ही घर में कदम मत रखना। वो सोट बोल मलिक, ये सारा घर में बहुत मार चले तेरी तामे। कौन से हक की गाल करती हो तुम? 25 साल जी गए हमारी शादी को, आज तक तुमने कुछ मुझे हक दिया?
तू घिनर दो का होवे का देवे तुम हक बहु गिनते हो तुम्हारी रन भी रात को 12 बजे भलको के खूब जाती है और लस्सी घिनर लेती है लस्सी घिनर नहीं जाती लस्सी वलोलन जाती है और इवे के इवे सही और मेरा पियू ताकर पूछे आ गया पता चलू तुम चुप करो शीदा मुझको पता है कि मैंने क्या करना है ये लूट ही रह गए अपने ड्राको एक दफा दौलत आने दो हम नवी रन ले लेंगे मैं क्या जनाब कई बार साढ़े चक्कर ला गिनो असा भी चूड़िया गिनसो चल वे बिलो चूड़िया बेचेंदी कोई खरात नहीं मंगदी जड़ी हर किसे डेरे ते चक्कर लावे ए ता तो चूड़िया बेचण वाले नखरा नवाबे वाले कई नवाब के घट भी कहनी अपना करके खानी साडे नामे लाग असा ते को घर बिलाते खवे सो क्यों मैं तेरी छोटी बहन हां भेण बनाते ना असा ते को जान बनाते रखे सो घर बकवास बंद कर वे अपना शिकार मंजान नहीं देंदे ए लाला जगू बिल्लो को जाबर खान जब बदर चाह की थे वो ए क्या खेना पी आ मेरे नाल आ जगू आ मेरे को पता है तू ही बोल बोल दे पिछू जरूर आसी ओ बदबख्तो तुम्हारी दुश्मनी मेरे नाल है ते तू अपनी भेण को क्यों तंग करें दे पियो मेरे नाल दुश्मनी पाते तू मौत को सड़ मारी ओ मैं लड़ाई तो जितना भी बच टाइम ते तू सा मेरे को लड़ाई ते उतना मजबूर करें दो हाले भी टाइम है पिछते लगवन नता तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर रे सा ना लाला ना मेरे खानदान को खत्म ना करी जो गेन मने जगू जे तू आज निकले डर गया ते पूरी बस्ती ने इस्ता चा गिन से आज तो मैं तेको बचा गिनदा लेकिन आज तो बाद मैं लड़सा कहना लग दे तेको अपनी जान प्यारी कहनी जग्गू हक ते लड़दारा दे भावे मार खा गिनसा ताकू को ना छुड़े सा कड़का दियो वे दा लत्ता चंबल दे पुत्रे सुझा छोड़े मामा तू भी तो देख ते ले लिया कर हर एक ना लड़ाई शुरू कर दे ठीक वजे नहीं होना यार मैं लड़ता ना मैं माली दी वजह तो लड़या मामा तू भी तो हर जद मार खानी कहीं को मारया ही आज तक नाने तो ना बॉडी वदी अच्छा चाचा चुप कर अबे गुना ने सी अबे को आगे मेरा एक्सीडेंट थी गे उई मामा उई हाय हाय मम्मा बना मेरे पोत को अखार रे अल्लाह जरा मेरे हाथ से टूटा जी ना मेरे पोत को मारे खीवड़ा क्या है पत के ना मथा लाया उसे पागल ने मथा भान छोड़े मेरे पोत दे ना दा बैठी मथा भान छोड़े शकलू दा लगदे कहीं ये खोते अलकार गत बड़ा छोड़िए
सही गल ना मुरादा क्या छे कोई ना नाना कोई ना मामा जुगू ते मधाड़ वो मां मेरा मतलब है मंगल खान नी जाबिर खान ते उंदा बंदा गड्डी उंदी बस पिछ मामा लंघण पे खोते रेडे ने लाए सिरण ठीक है अल्लाह खैर करे मेरा पुत्र कोई शै बना देवा ते को हां हां हलवा बना देवे से बड़ा मैदान मारते आ बैठे असा पे जवानी दे विच इयो जे सटे को महसूस ही कना कर दिया से अब्बा तू एक्चुअली डंडे के है ना तो तू खुद आ गया जग्गू तेरी हिम्मत ए मां सत्य थी वे ध्यान कीता कर बुरे टाइम दा पता नहीं चलदा धाड़ो धाड़ो चुप कर बस कर मैं तेरे वास्ते हलवा बना आंदी हां अड़ी चूड़ियां पवा गिनोड़ी चूड़ियां बस पुत्र मैं हूं तक बहु बर्दाश्त किते मेरे को लगदे ते को मेरी धी दी लोड़ कहनी रह गई ओ सही अगर मेरे चाचा को तारी धी दी लोड़ ना होती तो कभी ही टोर के ना आया बस तू गवाइयां ना दे बेटा मेरे को पता ही कु जितनी हुंदी लोड़ है मामी मामी अगर मुझको उसकी लोड़ ना होती तो मैं घिनन क्यों आता भास्कर अब भास्कर हुन किवे मिंता बैठा करे नी ने ना घर ते मेरी मां दी जरी इज्जत कहनी तू चुप कर बे तेरा कोई मतलब कहनी वडे दे बोलण दा तू चुप कर नवे पुत्र अस आप इनल गल करस मैं ते आदिया हुन भी कू दो दत्या ना मनन दियो मामी मामी क्यों अपनी धी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो पहले केड़ा वसदा पे तुमको कैसे पता है चल नूरा जी मां ओकु अगर ऐसा ठीक है तो तू ही वन वन्या ले गाल भणे ले ना ही तरफ बलेंदा पी इक वाकू लंबरे दे विच जिंदगी गुजारे वांते ओहो अम्मा जी इनाम लग गया तो तोडी धी आज करे छी कोई बिया तो ना करे छी ए सिचुएशन क्या दे सिचुएशन इयो इको खाब दिखा दिखा ते कगला कर छोड़े जदन सारे घर है जी सारा कख नहीं रिया अगे तो तू सा मुरब्बियां दे मालिक आ चुप कर जाओ हम रन लेने आए हैं झिका क्यों ना पड़ेगा बोल दिया हम कितना कितना झिका करवे से होने में लड़ते रहोगे या कोई मुक मुका भी करने दोगे मुक मुका क्या दा मुक मुका करूं कोई मुक मुका करनी हो तेरी माँ ते मुक मुका थी ओ मामी पता नहीं मामा तुम्हें कहां से घिन के आया है ओए आखिरी दफा तो मेरी जबान पे यकीन करके देखो केड़ी तेरी जबान तरला कुको तो बढ़िया वाली खाली तेरी जबान पे यकीन करो वाह वाह मामी ये तुम क्या गाल कर रही हो तरला कुकड़ मैंने तुमको ठूंगा मारा है पहले तुमने अपनी जबान चिट्ठी है लाश खुद जग्गू दा पियो हुन मैं नूरा को गाना वनन दे सा हुन मैं ते को आखिरी बारी माफ करना चाह अगर तू वाला को मेहना ताला में को मिला ना पर तू जानी ते तेरी मामी जानी बस मामा जी अगर मुझको अपनी इज्जत प्यारी है तो वल इवें नहीं होगा एक दफा घर तो चले वल मैं इसको बताऊंगा कि मलिक अल्लाह दिता क्या है बिल्ला तो अबे छोड़ लिया जग्गू के था जग्गू अंदर बैठे आ तो गया अपनी शादी करा बिल्लो अपने माँ प्यो को भेज ना मेरे को तेरी कुवार बना के अपने घर के तेरा दिमाग तो नहीं खराब ही गया तो मैं अपने प्यो को आके ना शादी दा तो मेरे को घरों काट छुड़े सी चलो तेरी माँ पर मैं तेरा आवान के इस्तेमाल बिलो पागल आने गाली ना कर क्यों मेरे पीछे लाके अपनी जिंदगी ते रोग लामना चाहती वे रोग ते जड़ा लगना ही वो लग गए पर तू मेरे को हम अपने दिल दे विच राण दी जा दे मेरे दिल दे चराण वास्ते शेर दा जिगरा चाहिदा है
अल्लाह जी अब तो बस कर दो, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, कख नहीं बच्चा मेरे पास, सारे बस्ती वाले मुझ पे खिलते हैं, अब तो मेरा ड्रा लगवा दो, मैं फिर इन बस्ती वालों को बताऊंगा कि अल्लाह दीता मल्ले को क्या छाया है। पुत्र कजर का बुला शाम को घर आवने एक बुला नहीं आ दे, मेकू लग दे बाकी तेरा प्यू साया बुराया छोड़ दी थी निस। दुआ करो नौमी की अम्मा, आज हमारा ड्रा है, एक दफा इनाम लगने दो, मैं सारी बस्ते वालों का अब मैं तुम्हारा प्यू जो नवी रन लेके आया है मैं सबका मुंह बंद दूंगा। ही सारे दल्ला ने तक ही औकात च रखा है, मैं समझ तू नेक थी की मगर को तू लंबर कह ना भूल सी। वल सवेरे सवेरे भौंक रही हो नूर हजूर के वेले, तुमको हया नहीं आती, एक दफा पैसा आने दो वल मैं तुमको दे दूंगा। अपना बात बंद रखो जवान की बच्ची। थी ना जी।
वो मारे चिट्टे कपड़ों में थी। चिट्टे कपड़े किधर? किधर चिट्टे कपड़े? वो तो मैं धोबी को ले रही थी। हाँ? वो तो धो छोड़े आते हैं। मेरा चाचा उठ से सही है कोई ना परेशान होने की कोई जरूरत है एक परेशानी तो बच्चा कुन बेहोश ठीक है मैं और टीका लेना होने ठीक था जल्दी लाओ मेरे चाचा ने केले सुलम थी ना बिल टीका मैं बुला रही थे कि कुन जल्दी होश आवे ने मजीद मैं इंदा ब्लड कढ़ने ब्लड करते हूं ना चेक करे सा चेक करते बाद मेरी रिपोर्ट है मैं भोगने सा काट के लो सारा काट ओए बस कर के नहीं मार रहना मुझे ब्लड ना की दिवे ना इंदी मजीद रिपोर्ट जड़ी हुई मैं वा भगवान दे सा ओए मेरा चाचा मर गया तो करोड़ों रुपए पे कुकले को खावने को कल क्यों कम सी मैं तेरे नाल कम सा सलाम पे मुबारक हो बूढ़े बाबा बूढ़े बाबा ये दादा मुबारक हो लब गए ये लब गए ये सीधे ये कौन है ओए चाचा तेरा सो रहा है ये मेरी मां है मेरी मां वो मरकू दिमाग तो खराब थी यार ओए सुनाया अपने को तुम मतलब एडी को दिमाग खराब कर रहे हो कौन है अरे मेरा चाचा करोड़पति थी गए मतलब एडी है अब मरकू छड़कू कह नहीं मैं हरासी तो हुआ मरकू मैं तेरी मतरई सास सा मतरई सास कौन सी सास मैंने अभी मैं पढ़ना ही नहीं हां मूड बड़ा था मैं रुक मैं तेरा सोरा सोरा तेरा एक रिजाल है मेरी थी है इसको पढ़ाया नहीं अभी तुम्हारी तो फिर आई है तुमको हया नहीं है एक मैं गैर मर्द के साथ अपनी धी का नाम शामिल कर इनको भजाओ तो निकलो ना तुम ये मेरे चाचा मलिक एडी करोड़पति का हुक्म है अंदरों संदूक खेल के आओ और पैसा तो खेल के आओ आओ चाचा मुझको तो लगता है सारे रन्ना इत ही है ओए रन्ना नहीं चाचा देनी है देनी तुमको हया नहीं है वो ये देनी है हाँ अगर देनी इतने सोने हैं तो मेरी रन क्या है वो इनको देख के तो मुझे ये लगता है जिन्हें मैं घर में खोती बदी बैठा हूँ हालांकि ओ ही खानदान की है काश आज इन तस्वीरों में तुम्हारी रन की भी तस्वीर होती तू मेरे छबे पे नजर रखी ओए चाचा ए थई नच दियन खेटा रही हो वो जो भी करती हैं इनको खरीद घिनो इनको घिनो मेरे पास ए ए बड़े बड़े को अंगली दे नचवा देनन वो जिठा मर्जी नचवाए मैं इनको नचवाऊंगा ए बहु पैसे घिन देन चाचा आप सस्ते घिन तुआ वो सीधे 6 करोड़ कहां मुकाएंगे ओए हाली होन घिन के आंदे पे 6 करोड़ पुठे कमाच पावन मैं तुम इनको घिनो इनको सिखाओ कि ये मुझको लुट मार घिने मुझको सुन्या कर दे मैं इनको इते टल्ली देखो तुम्हारे चाचा की टल्ली बज गई है दौलत भी आ गई है कोठी भी बन गई है गड्डी भी आ गई है बस चाचा एक शहर की बहु कमी है कोई सुथरी रन मिल जाए ना मैं पनीर अगे वाले को क्या करा सा वो कोई रन है हाँ वो तो रिछड़ी है रिछड़ी वो रिछड़ी ता दे मैं तो मेरे दांत जवे पीटो सारो में तुम्हारी चंगी है
पख्त जागल पख्त। वैसे तुम्हारी रंग को देख के मेरे मुंह में भी पानी भर आता है। शर्म कर चाचा शर्म कर। अली होन तेरे हाथ लौटन अखी मथे तेरे रख देनी। तो शुक्र करो मैंने अखी अपनी मथे पे रखी है। मेरा तो दिल करता है मैं अपनी अखी चाह के सिर पे रख लू। चलो करोड़पति थे वो अपनी मेहनत न करोड़पति थे। ਉਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮਦੀ ਕੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਵੇਸਾਂ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣ ਵੇਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਦਾ ਵੀ ਕੁਸਤੀ ਮਦਰ ਕੈਡੀ ਦਾ ਫਤਰੀਦਾ ਹਏ ਤਾਤਾ ਸਦਰ ਉਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਮਕੋ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ उसको आखो मैं कहीं कुत्तों बिलों से गाल नहीं करता। हाँ सही हो आधे पैर से कहीं कुत्ते के लिए गाल नहीं करना है। दिया दिया आये चाचा उस अंदर खो गई खो आ गई गाल कर। हेलो हाँ वो तुम आओ तो सही हमने 5-7 देगे पकाई हुई हैं। वह रोटी खुट गई तो संडा कूं लेंगे। हाँ तुम आओ। हेलो जी जी मलक सीधा। हाँ किशोरी आ रहा है। अजी अजा मलक सीधा बोल रहा हूँ मलक एडी का भतरीचा। हाँ चाचा किशोरी आ रहा है था फोन है। कौन सी किशोरिया? वो फिल्म स्टार इंडिया की। तुमको हया नहीं है अब मलक एडी का स्टैंडर्ड सटोरिया रह गया है। हेलो हाँ चाचा मेरा दे तू मेरी चॉइस कहने मैं वसो कुटानी नाल गाल करे सा। मैं तुमको कितनी बार आ के बुआ का नाम मत लिया करो। ओए चाचा तेरा अकल मरीज के जड़ी मेरी बुआ सी तेरी बहन ना सी। वह करोड़पति बंदे की कोई माँ बहन नहीं होती उसका तो ईमान नहीं होता। ये गाल ठीक है तुम्हें वो तुम्हारी ये अकल कहाँ कहाँ रही भैया कहाँ रही। ये कहां से खी गए हो? ओए अक्कल चलता पे अक्कल। अक्कल ही नहीं है तो कहां का नंबर मिलाना। आ मेरा मिलो। हेलो भाई क्या ठीक है चाचा क्या ठीक है? वो खराब हो चाचा मेरा फुड़क दे बे। अबू क्या ठीक है चाचा इसमें जो चबल रन है वो मुझको खेली पड़ी है कि तुम्हारे मोबाइल में पैसे नहीं है। वो मलक एडी के मोबाइल में पैसे ना हो तो मलक एडी को बोल के मर बजना चाहिए। तेरे तेरी गारत हो गया कदम मर गया मुझे 1,00,000 का इसमें पैसे घटवा के आओ। 1,00,000 का ये मलक एडी की मदी है। हाँ तो तुम्हारी घन भी घन की आई मेरे भी अच्छे नंबर ना खेलना था कि मैं तुम्हारा पति थी मैं है अब मुझ को शर्मिंदा तो ना करना शर्मिंदा ना कर उठी हमको बच के उठो। मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी दौलत कहाँ रखे
कुछ सोच कितना पैसा किना खर्च करना है। सोच किता है क्या सोच है बोला सोच मैं ना ना तोर खर बचने ले कौन अब्बा ओ तुम मेरे भणजे हो ओ तुमको किसी ने गाल नहीं की के मल्लक एडी 150% कुआरा है उसकी तो अभी शादी नहीं थी तुम मुझको क्यों आख रहे हो बापू चाल कर मैं तेरा पुत्र नोमी ओए ओए ताले अपनी मां को मान के पूछ तसदीक कर पियू से दई होए तू चुप कर सारे पियू पुत्र का मामला है ओए ओ तक पुत्र मनेडा नहीं तू आसे पियू पुत्र का मामला है मेरा प्यू मैं करना ना मैं अपनी माँ को दू ना मैं प्यू खेने वहां अब प्यू 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 वो पहले अपनी माँ से तो पूछो कि मुझको कहती थी कि मलक ए भी भूखा है सुन्ना है मैं इसे अपना पैर मांगती नहीं मनो अपनी माँ को आख दो उसने हमारे साथ टक्कर लगाई तो हम उसको पास पूछ कर देंगे हेठ पाड़ देंगे बस में को 1000 रुपए तो दो मैं तो पोत्र दे पुराने कपड़े पा दिए तो लोग क्या 1000 रुपए दो ओ तुमको हया नहीं आती तुमको पता नहीं है कि पैसे कितने औखे बनते हैं शुक्र करो मैंने तुमको और तुम्हारी माँ को इस कोठी में रखा है ओए चाचा माया दादा हर से नमी खेन की दिए और चाची भी नमी खेला तुमको पता है कि मतलब 80 करोड़पति का आराम करने का टाइम थी क्या है तुम इसको यकीन समझ कर 1000 रुपए दे दो और ऐंदा है रुपया दिया मैं तुम्हारी लपे बांध दूंगा हुन पुत्र तू यतीम ना होता ना तो कोई 1000 ही ना मिलया पकड़ इथों पर चार मच्छरों ने हमला कर दिया शोधी बहुत सड़ी गई होगी चार मच्छर के एक राम मौसम बहुत खराब है त्रै करोड़ का मालिक अपने आप को एक नंबर सरवाने लगा उसको पता नहीं है मलक एडी के पास 6 करोड़ है अरबापति जी सद गया चाचा
हम कहीं को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लोग यही करेंगे मतलब ये निका टैक्सी का शोरूम खानदानी का मुंह बोलना। अच्छा भाई भाई चलती भैया चाचा वो क्या भैया कह रहे हैं नकली नोट वाली मशीन कह रही है भैया नहीं आती, वो सीधे साधे लोगों को हम लूटे नकली नोट देगा ताकि मैं ढकी बनू और सारी रात को मांस दिया। चाचा एक महीने का मेहमान है तो खुशी की गल है, ये सब कुछ तेरा थी वैसी। फौत थी जाओगे, जरा सोचो
तुम्हारी ये गाड़ी, तुम्हारी ये कोठी, ये सारा बैंक में जो पैसा पड़ा है ना, ये सब ये कुत्ते भी ले खा जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना है, एक महीने में तुमने 6 करोड़ खत्म करना है। सीधे और तुमको पता चल जाए कि एक महीने के बाद तुमने मरना है, मर मैं तुमसे पूछूं कि हाँ पे क्या गुजरती है। ओए चाचा, हल एक महीना पे तू तो पैसे मरा दिया चेहरे की थी बेटे। वो तुम एक महीने की गाल करते हो फरिश्ता, चाइना की साइकिल लेकर मुझको लभ रहा है, जितना उसकी नजर पड़ी उसने मुझको झप लेना है। दुनियादारी मैं तो कहता हूँ किसी को 2-4 लाख दे के उसका साइकिल पंचर करवा दूं। कुछ टाइम तो गिर जाएगा ना चाचा। एक बड़ी गाली है ही, रिश्ते दी साइकिल पंचर नहीं थी दी। तो मैं क्या करूं, ये 6 करोड़ मैं कैसे खर्च करूंगा। चाचा ये तो 6 करोड़ है, 6 अरब रुपया हो गए तो एक मिनट च मुक गए थे। तो मुझको बताओ भाई, वो तू सारे मेरे को दे दे, मुझको दे दू, आराम कर दो पैसा। बस मैंने सोच गिदा है क्या, मैं 15 लीटर तो करूंगा अयाशी। हाँ तो 15 लीटर अल्लाह को तो मुंह दिखाना है ना। ना तेरे पियो ने याची कीते, तू याची करे सी। शूट अप बेबी लोशन बच्ची। तो तू क्या है, खुशी मैं तो आता हूँ फरिश्ते का मुंह इसकी तरफ कर दे। हम आकर मेरी जान तो छूटे, अल्लाह पता नहीं मेरी करण जा थोड़े से ताए को मुंह। एक महीना रह गया है, एक महीना। अल्लाह से जल्दी जाके नहीं पता, ऐसे जाऊंगा सारा पैसा मुका के जाऊंगा। पिन्नोगी तुम दर दर पे पिन्नोगी। क्यों पिंसा, अल्लाह से ही ने तो करोड़पति बुलाते, अपनी औकात ना भूलो। कपड़े रे पाती बेटा कपड़े रे, मतलब अल्लाह दीता और एडी साहब नमा स्टाइल दे के जा रहे हैं। नमा स्टाइल दे कपड़े रे कपड़े कपड़े, तू करोड़पति तू कपड़े पे ही बैठा क्या। चाचा को नहीं समझा कपड़े की भी वो जहां अंग्रेज जाते हैं उधर वो क्या होता है गोल गोल वो पानी वाला जिसमें धाते हैं, उसमें अंग्रेजियां भी होती है। रास्ते से मकोड़े मकोड़े सारे।
ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇ ਖਾਵਣੀ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਐਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਤ ਤੂੰ ਕੋ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਥਾਲੇ ਕਾ ਭਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਬਟਸ ਦੀ ਕਿਆ ਪਕਾ ਹੈ ਸਰ ਹੈਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਤੋ ਮੁਝ ਕੋ ਬਤਾਓ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿੱਥੇ ਘਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਓਏ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਇਹ ਵਟ ਵਟ ਪਕਿੰਗ ਵਈ ਇਹ ਵਟ ਵਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥਾਂ ਵਟ ਪੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ ਚਾਚਾ ਸਬਰ ਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਵਟ ਵਟ ਪਕਿੰਗ सर दिस इज़ आवर पाकिस्तानी ग्रिल स्पेशलिटी बारबेक्यू चिकन टिक्का पीस मलाई बोटी अचारी बोटी रेशमी को आप राजस्थान टिक्का बारबेक्यू प्लेटर चुप कर जाओ वो ये तो सारी डिशें बस्ती वाली हैं हाँ वो कोई बड़ी इंग्लिश डिश बताओ मलक एडी कोई बमूली बदना नहीं है ओ मेरा चाचा आदा पे कोई बड़ी डिश गेनाओ जड़े बड़े लोग खाते हो अच्छा नवे नवे करोड़पति थे ना क्या नाम है बड़ी डिश का Sir, you like dumpling? This is a very big dish. Oh, ये तो पठाने का खाना है, इंसाने का चावा। वो इसको तुम समझाओ सीधे। ओए मेरा चाचा था पे कोई बड़ी डिश अंग्रेजी डिश का नाम है। Sir, I think you like seafood in Chinese dish. This is our Chinese specialty, sir. Gravy, dry soup, Chinese rice, chowmein, fish curry. सीधे। जी चाचा। अब इसने बड़ी डिशों का नाम दिया है। हाँ हाँ। ये सारे देना हो सारे। जी चाचा ये जो बड़ी डिश होती है ये बड़ी तगारी में देते हैं हाँ हाँ बड़ा होटल है ना चाचा ये गिलास ये क्यों पहनते हैं वो जो बड़े लोग होते हैं ना ये बाद में लेम साफ करते हैं को मशीन में पीटा हुआ है ये तो पैसा जाया करने वाली गाल है चाचा तूने कहा था कि बड़े होटल पे चले मैं तो आगे कोई चंगा होटल हो सी ਚਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹ ਇਹ ਚਾਚਾ ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹਲਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸੀਧੇ ਪੁੱਤਰ ਵੋ ਯੇ ਤੂੰ ਮੁਝ ਕੋ ਕਿੱਥਾ ਗਿਣ ਆਇਓ ਯੇ ਤੋ ਕੀੜੋ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸ਼ ਗਿਣਾ ਵਾਲ ਖਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਕੋ ਹਕੀਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੇ ਅਬ ਤੁਮ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਮਲਕ ਏਡੀ ਕੀ ਰਕਮ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੇ ਤੁਮ ਖਾਓਗੇ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਯੇ ਨਸਾ ਕੀ ਦੂੰਗਾ भद्री जी क्या थी जाए वे कौन सा कीड़ा खा लिया सीधे वो तुमको गैरत नहीं है वो तुमको ये मेरी कोठी में क्या कंजर खाना गोरा रखा ओए चाचा कोई कंजर खाना कह नहीं अच्छा जरा रिहर्सल करें दे प्यासे कौन
रिहर्सल कर रहे थे। कौन सी रिहर्सल? रिहर्सल क्या होती है? यानी सिख दे खड़े थे जले बंदा लखपति थी वने बोला ये काम करने पोने वो खत्री रंग के पुत्र वो तुमको हया नहीं आता वो लोग साइकिलों का काम सीखते हैं वो लोग ड्राइविंग सीखते हैं वो तुम ये नचन के पास सीख रहे हो ओए माया के वे क्लब में वणना पाए मंदे बंदे को शर्मिंदगी ना थी वे ए चंगी गाल होंदी है यानी कि तुम क्लब में जाओगे हाँ तो मलक एडी क्यों नहीं बन सकता ओए जवान बंदा दा कम है तो यानी कि मलक एडी अब बुढ़ा थी जाए जवान है उसकी चेहरे डिंगी थी गई है उसके कोनों की झकड़ी बाजी है मेरे सारे औजार पूरे हैं मैं अभी जवान हूँ मुझको भी सिखाओ ताता करोड़ा पति ठीक है सोच तेरी हरी कंजरा ली जब से अमीर जाऊं ना कितनी बेटी जाऊं तुझको भी मैं जानता हूँ तुम्हारा पाए शराब के साथ छिछड़े खा रहा था क्यों माने से पूछा वो ये तुम क्या कर रहे हो आके अपनी तबीयत कुत्ती कर रहे हो पट्टा क्यों पाई बताए अगर फायर नहीं लगता हाँ माने इससे पूछा अगर जुओ का मैच कौन सा गिरोह है तुम्हारी माँ का चाहोर था को मरे से खड़ा तो तुम तो मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो वो तुम्हारी नस भी फरीज गई है मैं और तेको सिखाऊं सिखाओ ना ए अच्छा दादा तू पहले खड़ हाँ तू साकु देख ऐसा नक्शो बोला तू करेगा यानी कि जीवन तुम करोगे मैं उम्मीद करूँगा हाँ तुमको हया नहीं है मैं भी तुम्हारी रंग के साथ करूँगा रिहर्सल होता है और तू खाड़ के देख मैं देखूँ हाँ ठीक है मैं देख हाँ आ जा भाई वन साइकिल पे हाँ अब तुम देखना कि मलक एडी साइकिल पे किमे बैठा है सोनी साइकिल ते गद्दी ना हो ओ तुमको तुमने अपनी रन को कुछ नहीं सिखाया ओए चाचा ओ सही ता आदी पई है बगैर गद्दी ते बैठे से मुझको पता है गद्दी है नता तुम्हारी अखी बाहर ना होती अच्छा हुन तू ये कर गन सा चाचा ओ तू सीधे हुन तू उधर बाय के देखोगे तो मैं तुम्हारी जाल के साथ नचूंगा ना ना चाचा कल है कल है कल है यानी के मलक एडी के साथ धोखा मैं तुम्हारी रान के साथ नचूंगा बोला है छोड़ते है वो क्या मेरी रान को हाथ ना लावे क्यों पहले गुला गए नहीं वैसे वैसे तुमको बता रहा हूँ तू काम सीखने या कोई ना नहीं मैं काम सीखूंगा चलो इतना इतना पीछा मर इतना खड़ते अपनी बारी बहवन साइकिल पे और हमारी बारी धिया का धुन आया नहीं है तुमको धिया का धुन कहाँ से आया है चाचा मेरे को क्या पता ही तेजी में आ गए अच्छा होने में ना थी सच्ची बताओ हाँ अब ऐसे नहीं होगा ना हूँ जिम्मे माया करे सा था चाचा बल ऊँ है तेरा यूँ है वैसे तुम्हारी रान की जो चेल है ना ऐसा चेल वाला गाँव चेल अब पहले गाँव ना तुम करो वाल जब मेरी बारी आए ना मुझको बता दे और चेल वाला गाना थे चाचा चाचा बस वो सीधे पुत्र हाँ ये गावना तो साइकिल वाले से भी बहुत अच्छा है ये तो नहीं आगा तक ओ माय डार्लिंग तुम इधर बैठी बजो मुझको डार्लिंग से बात करने दो चलो मामा चाचा हया करती है हया करती है मैं तुम्हारा प्यू हया करती हो मैं तुम्हारा वो हूँ क्या वो नहीं कहते अबे तुम्हारे पाए का चाचा
शुक्र है शुक्र है। तुम कोई वही गाल समझी हो ना, वही गाल है। चाचा गाना लगावा बूढ़े बाबा बाबा पशु दे पुत्र। हां हुन देर ना करो, गावन लगा दो कई मलक एडी ठड्डा रखी जा। हां देर ना करो, तदा आखरी टाइम है। लवेंदा पे लवेंदा पे सब मलक एडी ने एक दफा भौंक्या था कि तुमने ऐसी शरारत वाल नहीं करनी, पर तूने मलक एडी को बेवकूफ समझा हुआ है। इधर तो कोई शक है, वो मलक एडी कोई चबाला है। अब मुझको पता चल गया है, एक गाना साइकिल वाला है, दूसरा गाना धीरी बेनी वाला है। अब गावना मैं करूंगा। नहीं नहीं चाचा, मैं करूंगा गावना। बेईमानी है, मलक एडी ने कह दिया है कि गावना मलक एडी करेगा। लगाओ गावना। अब मैं देखता हूँ कि वेच धीरी बेनी कैसे आती है। मैं कर गिना चाचा। अच्छा चलो ठीक, खल्ले की बात समझते हो तुम, लगवाओ गाना। चलो ना अब सीधी थी जाओ, सीधे लगवाओ ना। अच्छा तो ये सारा कुछ पीयू के साथ तुम कर रहे हो, वो तुमको हया कहनी? वो तुम ये धीरी बेड़ी वाले गावड़े क्यों लगा देते हो? सारे धीरी भेड़ी वाले आ गए, हमने को करा दे। तुमको यकीन है ना? हाँ पक्का पक्का पक्के। अब मैं इनसे पल्ला लूंगा। हाँ अब देखना तुम, मैं जब कहूँ तो तुम बटन पे हाथ रख देना। सीधे अब गावना तुम करोगे। बस दादा थक गया मैं। ना कौन सी तुमने इधर बर्थी डाली है दांत के पुत्र, अब गावना तुम करोगे? ना ना बस, माने मलक एडी ने कहा है कि गावना तुम करोगे। आखो अपने पाए को करो, पुत्र गाना लगवाओ ना जरा। गाल मलक एडी के मगज में आ गई है। क्या तू धीरी भेड़ी वाले गाने हैं, तू दूजे हैं। तुमने मलक एडी को बेवकूफ समझा है, वो है भजोकर रान के पुत्र, उन गाना मलक एडी करेगा। ना ना बस 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 तुम हट जाओ, लगाओ ना। इधर बह जाओ, इधर बह जाओ। वो मुझको तो लगता नहीं है कि तुम मलक एडी के पुत्र हो। हम चले ही जहां से, वो दिल टूट गया यहां से। कूड़े दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले कुछ नहीं यहां से। नौमी की माँ मुझको बख्श छोड़, ओ मैंने 6 करोड़ में से तुमको टका नहीं दिया, 10 मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी के दिल खो गया, अरे वो दिल खो गया, अरे वो दिल खो गया। आधा घंटे का टाइम है, आधा घंटा दिल लगाया, दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए। अरे रेशम जी सही, अरे वो तेरा सही कहाँ जाए। वो लोग तो आखते हैं कि जिंदगी 4 घंटे की होती है, वो मेरा तो आधा घंटा रह गया है, 10 मिनट का क्या लोगी।
ओए मलकेडी अली नजर दे कोनी क्या अभी नहीं नजर आता अभी नहीं हाय एक दफा कंबर तो जरूर आवी पक्की धीरे से हाय रेशम बस कंबर तो थोड़ी मजा खड़ा जी सही उठी बस मेरा ख्याल है नजदीक बदे ओ शीते ना पता करो कंबल खटवा है या कहना ए वो आली ता 5 मिनट पहले थी रही ए मुन्नी तैयार थी ए झोलना तुम्हारे किते ए आखरी टाइम आ गए क्या खटी ते क्या वटी 6 करोड़ विनाया है एक महीने में जेड़ा खजे विना बैठा हुआ चाचा पलवाना एक मेरी जा तो मनो मेरी जा पे तुम क्यों नहीं जाते रन का फिक्र ना करो मैं संभाल लूंगा चाचा मुझको बख्श देना मैंने तुमको बड़ा बेइज्जती किया है 20 मिनट रह गए अभी तक वो शीता कब्र कटवा के नहीं आया अरे ओए मेरा चाचा खड़ो मुझको खड़ा हो मुझको ये बताओ कि कब्र में एसी लगवाया है चाचा लगवाया मेरे को पता ही मेरे चाचे को निगरानी आया कोई गाल नहीं तुम साथ चलना ये तो बताओ कब्र में सीडी टीवी भी रखा है ओ क्यों चाचा वो मैंने अंग्रेजी फिल्में देखनी है अंग्रेजी ओए चाचा लगता था तेरी कब्र है चल अब सिर भी वैसे वो इसको देखो घोड़े बजा रही है 15 मिनट रह गए सीधे और तुमको तो पता है मैं घर में कूली जा के सिवा कभी नहीं सोया वो कंबल में मैट्रेस लगवाया है हाँ चाचा लगवाया अरे कफन क्या क्या किया कफन बालू मंगवाए चाचा अरे बोस की मंगवाई लू घोड़ा शीदे जी चाचा वो मेरे कफन पर मुश्क गफूर न लगाना कोई भी क्या लावा चाचा वाटर कूल लगाना वाटर कूल ओए सदके तेरी आखरी ख्वाहिश है तू चाचा ओए मुझको ये चरपाई या खटड़े पर मत लेके जाना मैं केड़ी शायद ते कुछ आवे सू एसी टू डी हो एसी टू डी शीदे पुत्र जी करा वो यूपीएस भी लगवा दे बना यूपीएस और बैटरी वो डे ट्राले वाली घटवाना क्योंकि बाप वालों का कोई इतबार कह नहीं पहले घंटे थे आनो टूटू घंटे थे सीधे एक मिनट रह गया है और देखो इजराइल आ रहा है मुबारक हां मुबारक हां कोई अभी तो 7वां महीना था मुबारक हां कोई मां क्या रखना है मामा खुद रखे थे मुबारक मैं बच गया
खुशी तो थी पे बच गए इन्हें 6 करोड़ जाया करवाया साढ़ा 1 महीने च। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने तो मुझे वैसे भी मारना था, वैसे भी मार दिया। पुत्र यार तू इतना सियाना थी क्या? मैं भा लगाता हूं दौलत को, रिश्ते तो सवार बड़ी दौलत कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेरे लक्की पे दौलत की पट्टी आ गई थी और मैं